राम राम भैया। सभी दोस्तों को पुनः नमस्कार। लघु पाराशरी की जो सीरीज है ये 42 श्लोक है, तो 1 से 13 तक की व्याख्या हो चुकी है। 6वें नंबर से हमने एक्चुअली श्रृंखला चालू किया हूँ, क्योंकि पहले नंबर में तो भगवान की वंदना है, इसके बाद 4थे में ग्रहों की दृष्टि है, फिर बताया कि साहब विंशोत्तरी की दशा ही मैं लेता हूँ और विंशोत्तरी दशा ही लेना चाहिए और विंशोत्तरी से ही फलाएंगे, है ना। इसके बाद ये बोला कि पाराशर के बहुत सारे सिद्धांत है, आप अन्य किताबों से पढ़ लेना, ये सब 1 से 6 के अंदर है। इसके बाद जो है 6 से फिर चालू हुआ है, 6 से ये 13वां श्लोक है, ठीक है। क्योंकि लघु पाराशरी एक ज्योतिषी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये वीडियो किन के लिए, एक तो स्वतंत्र रूप से जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं उनके लिए, दूसरा ऐसे जिज्ञासियों के लिए जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ठीक है, और उनको ग्रहों की व्याख्या ही नहीं बन पाती, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं लेकिन वो दिल्ली में कोई सीखना चाहते हैं, तो कहता साहब मैं 5,000 लूंगा तो लघु पाराशरी सिखाऊंगा, कोई कहता 10,000 रुपये लूंगा, है ना। तो तरह तरह के पैकेज में ये किताबों को बेचा जा रहा है। तो मैं आपको निःशुल्क अपनी मेरी जितनी यथाबुद्धि, क्या बोलता हूँ, यथाबुद्धि, जितना भगवान माँ सरस्वती ने जितना विवेक दिया है उतना विवेक के अनुसार बढ़िया से ईमानदारी से विश्लेषण टेवा लगा के कर देता हूँ। और आगे इस पर बहुत काम होगा, आगे ये भी बताया जाएगा कि इन श्लोकों को एप्लीकेशन कैसा है। यदि मैंने इन श्लोकों का एप्लीकेशन नहीं बताया तो ये कोरा ज्ञान, इसको बोलते शुष्क ज्ञान, कोई मतलब का नहीं है, बिना प्रैक्टिकल के कैसा आगे। तो लघु पाराशरी का हम 6वें श्लोक पे बात करेंगे, ठीक है, और जो श्लोक नंबर 13 पे बात करेंगे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हो 7697871256, इसी पे गूगल पे फोन पे पेटीएम सब है और व्हाट्सएप भी है। फोन लगाने से अच्छा व्हाट्सएप करके पूछ लो कि साहब फी कितनी है, तो ज़्यादा अच्छा है, वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे दिन भर में लोगों का फोन उठाऊं और मेरे किसी ने 3 मिनट खा लिया, किसी ने 5 मिनट खा लिया, तो मेरे तो यार बड़ी नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करो कि यार व्हाट्सएप के माध्यम से बात करो, ठीक है। ऋषि पाराशर ने भी ये श्लोक मेन ये है, यद भावगतो वापी यद भावेशाम संयुक्तो तत्फलानी प्रबलो प्रबलो प्रबल मारा प्रबल ताकतवर प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रह। राहु को तमोग्रह बोल दिया सीधे, ठीक है। तम, अब जो समझदार व्यक्ति है, और ऋषि पाराशर ने भी बोल दिया, ये तो लघु पाराशरी का 13 श्लोक तो है ही, कहता है प्रबल होने पर भी राहु और केतु जिस भाव में और जिस भावेश के साथ रहते हैं उसी के अनुसार शुभ या शुभ फल देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत आपको इत्मीनान से लघु पाराशरी समझना चाहिए, हड़बड़ी का काम नहीं है। अब क्या कहता है कि राहु प्रबल होने पर राहु केतु जिस भाव में और जिस भावेश के साथ रहते उसी के अनुसार शुभ या शुभ फल देते। देखो राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, राशि के अभाव में वो जहां रहेंगे उसी के अनुरूप फल देंगे आगे। और ये तो लघु पाराशरी ने बोला, इसका प्रमाणीकरण ऋषि पाराशर करते हैं, यद वेश्युतो वापी यद भावगतो समागतो तत्फलानी प्रबलो प्रतिदेशाम तमोग्रह। सेम इसी टाइप का श्लोक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई शब्द बदल दिए होंगे, खाट वापी सेम है, कोई भी चेंजेस मेरे को नहीं दिखता इसमें। सेम श्लोक को लघु पाराशरी ने ठोक दिया, ये ऋषि पाराशर के होरा शास्त्र है, होरा शास्त्र पेज नंबर 171 सीताराम झा की, इसलिए सीताराम झा का ही पढ़ो, दूसरा सब बकवास है, ठीक। राहु और केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस भाव में रहते हैं उसी भाव या भाव के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। और आगे कहा, यदि राहु तथा केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और केंद्र त्रिकोण पति से युत या दृष्ट भी हो तो भी योग कारक होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र त्रिकोण में बैठे राहु कारक अच्छे फल देते हैं, बहुत बुरे फल नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ से लघु पाराशरी, अब बोलोगे साहब ये तो आपने समझा दिया हमको, तो आप जो है ना उदाहरण से समझाओ, ये हमको नहीं समझ में आ रही आपकी बकवास, ठीक। चलो बकवास मत समझो हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है बकवास तो हम बकवास नहीं करते भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आ जाते हैं मेन, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, कर्क लगन में समझ लेते हैं, कर्क लगन से समझते हैं। राहु केतु के बारे में बात हो रही है, जैसे मान के चलो आपका राहु केतु यहाँ पे कुंभ लगन की कुंडली से ले लेते हैं। अब यहाँ पे राहु केतु कौन है, राहु केतु कहाँ बैठा, कैसे समझेंगे, राहु केतु यहाँ बैठ गया मौ, तो क्या बोलेंगे राहु को,
राहु दशमेश है, आपकी कुंडली में राहु दशमेश है और राहु के साथ यहां पे गुरु महाराज बैठ गया, तो क्या बोलेंगे? राहु दशमेश की ताकत तो रखता ही है, साथ में वो गुरु के तत्व ले लिए राहु ने, तो गुरु के तत्व को बिगाड़ेगा वो। राहु क्या करता है? राहु किसी तत्व को बिगाड़ देता है कई बार। अब चूंकि यहां पे राहु दशम में होके शुभ हो गया है, ठीक है, हो सकता है कि यहां से मंगल भी राहु को देखता होगा, तब तो ये बहुत पावरफुल दशमेश हो गया, ठीक है। और मंगल को केंद्रेश होने से कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मंगल की एक राशि यहां पे उपचय में है, तो मंगल यहां दोषी है। बहुत साफ सुथरा नहीं कुंभलगन कुंडली में मंगल, ठीक है, योगकारी नहीं है। और योगकारी तब होगा जब त्रिकोणेश का सहयोग मिल जाए उसको, यहां बुध का सहयोग मिलेगा थोड़ा सा, तब वो त्रिकोण होगा योगकारी। तो यहां पे राहु को क्या बोलेंगे? राहु यहां पे दशमेश है। अब चूंकि राहु मंगल के साथ होगा तो राहु जो है गुरु तक, राहु तो कोई फल देता ही नहीं यार, राहु कुछ नहीं देने वाला, वो तो जिसके साथ बैठा है उसके फल देगा, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से कहीं बैठा, यहां बैठा तो क्या साहब बताओ, यहां अकेला बैठा है तो यहां पे अष्टमेश हो गया, राहु अष्टमेश के फल देगा, ठीक है। और यहां राहु अष्टमेश हो गया तो अष्टमेश के फल देगा। दूसरी चीज, राहु यहां बैठा है तो गुरु के फल लिया, तो राहु क्या करेगा? गुरु को रोकेगा शुभ फल देने में, भाई राहु तो शुभ फल देता ही नहीं, तो गुरु को रोकेगा, ये उपचय है, धन देने में रोकेगा, तकलीफ बढ़ाएगा, ठीक है, ऐसा जानना। अब राहु और केतु के किस भाव में उच्च के होते हैं नीच के होते हैं, इसमें भी बड़ा विवाद है, और उस विवाद को मैं लघु पाराशरी में घुसड़ा नहीं चाहता हूं, ठीक है। अब दूसरे चलते हैं यहां पे। अब बताओ साहब इसमें बताओ, राहु यहां बैठ गया, राहु ठीक, और यहां पे किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है वो, ठीक, कोई भी ग्रह उसको दृष्टि नहीं देता है, तो क्या हो गया? राहु क्या फल देगा? राहु षष्ठेश के फल देगा। और सिंपल रूल है कि तीसरा राहु, छठा राहु और 11वां राहु लाभप्रद होता है। देखो 11वां भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह हो शुभ ग्रह हो, सब अच्छे फल देते हैं, लेकिन छठे भाव में सभी शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं इसकी गारंटी नहीं है। तीसरे भाव में भी यही बात है और छठे भाव में भी यही बात है कि छठे और तीसरे भाव में सभी शुभ ग्रह अच्छे फल देंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 11वें भाव में सभी पाप ग्रह और शुभ ग्रह अच्छे फल देते इसकी गारंटी है, ठीक। अब राहु किसी और लग्न में चल जाते हैं, मकर लग्न की कुंडली में। अब बताओ साहब लग्न में राहु बैठ गया, अब बताओ साहब क्या हो गया? लग्नेश हो गया राहु, और लग्नेश को कोई दोष नहीं लगते, धनेश हो के यहां पे न्यूट्रल हो गए, तो क्या हो गया साहब? अच्छा हो गया, वैसे ही सूत्र, केंद्र त्रिकोण में बैठे तो अच्छे फल देंगे, और कहीं यहां बैठ गया तो विचित्र बात। हमने पढ़ रखा है कि सूर्य और चंद्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अरे मालिक वो तो ठीक है, लेकिन ये बैठा कहाँ है सूर्य? ये लो साहब सूर्य यहाँ नीच का हो गया, और यहां से शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं, और तो और मंगल भी यहां चले आए हैं, ठीक है, और आपके यहाँ पे राहु या केतु और कोई ग्रह, सॉरी अब राहु है यहाँ है तो केतु तो आगे ही होगा, और कोई ऐसा ग्रह जो तकलीफ दे दे, इनके अलावा तो और कोई बचा नहीं। अब बोलोगे साहब मकर लग्न की कुंडली में आपने बताया था कि सूर्य और चंद्र को माँ को तो साहब अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, राहु हो गया यहाँ अष्टमेश और उसका मालिक भी बहुत पीड़ित हो गया, तो ऐसे राहु की दशा जातक के जीवन में तकलीफ लाएगी, कष्ट लाएगी, ठीक है। देखिए जब मैं तकलीफ और कष्ट बोलता हूं, ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होना कि डरना और पैसे लुटवा लेना और रत्न खरीद लेना, पगलापन करना, पगलापन करने के लिए नहीं, ज्योतिष लोगों की मदद के लिए बनी है, पगलापन के लिए नहीं है, ठीक है। पगले लोग यहाँ पे आए ना देखे भी ना, हमने तो किसी को बोलते नहीं देखो, बुद्धिमान लोगों का चैनल है, बुद्धिमान लोग देखो, मूर्खों के लिए ये चैनल है ही नहीं, ठीक है, और चोरों के लिए भी नहीं है, जो काल सर्प कटाते हैं उन चोरों के लिए भी नहीं है। अब यहाँ राहु देखता हूँ, राहु यहाँ पे साहब आप बताओ, आप राहु यहाँ पे बैठ गया राहु, ठीक, क्या फल देगा? अच्छा, अरे राहु यहाँ पे सप्तमेश और मार्केश हो गया, और वैसे भी
कन्या लग्न की कुंडली में गुरु को केंद्र का दोष लगता है, और कहीं गुरु यहां बैठ जाए तब तो ये मारकेस हो गया, क्या करेगा। जब राहु की दशा चले तो गुरु क्या करेगा, किसके फल लेगा, गुरु पत्नी को बीमार कर देगा, व्यवसायिक पार्टनर से लड़ाई हो जाए, व्यवसायिक चीटिंग हो, पैसे का पार्टनर चोर निकले, और क्या करेगा, मां के चतुसुख भाव के सुख कम करेगा। अब देखिए कारकत तो बहुत होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, तो हम तो इसको सुख बोल दी चौथा भाव है, लेकिन कम से कम 50 कारकत होंगे, 100 कारकत होंगे। वैसे ही हम सातवें भाव के कुछ कारकत तो जानते हैं, बहुत सारे कारकत तो आज तक किसी को नहीं पता है। तो सातवें भाव के कारकत पति, पार्टनर, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ भी है ये, ठीक है, लग्न से सातवा है, ये सब चीज यहां से देखा जाएगा। विदेश भी है, राहु विदेश यात्रा भी करा सकता है, ठीक है, पत्नी से नुकसान करा सकता है, व्यवसायिक पार्टनर से नुकसान करा सकता है। अब यहां चलते हैं मीन लग्न की कुंडली में। महाराज अब जो बताओ कि इस कुंडली में यदि राहु यहां बैठ जाए तो क्या फल देगा, अष्टमेश के फल देगा, ठीक, यहां बैठ जाए तो क्या फल जाएगा, द्वादशेश के फल जाएगा। और शास्त्रों में लिखा है कि बार बार राहु भी सदव्यय कराता है, अच्छे कामों में खर्च कराता है, विदेश का दौरा करा देगा, विदेश घुमा देगा, और कोई बात, ठीक है, बार बार राहु के बारे में ज्यादा नेगेटिव बात नहीं करूंगा मैं, ठीक। अब यहां क्या देगा साहब पाल, यहां पंचमेश हो गया, शुभ हो गया। अब ये देखा जाएगा कि चंद्रमा कैसी स्थिति में, हो सकता है चंद्रमा नीच का हो जाए यहां, ठीक है, और राहु के साथ शनि भी आ जाए तो पीड़ा बढ़ गई, राहु शनि के साथ पीड़ा बढ़ गई, और कहीं मंगल की दृष्टि पड़ जाए यहां से, तो राहु जबरदस्त तरीके से शनि के कारकत्व तो देने लगेगा। किसके कारकत्व देगा, शनि के कारकत्व तो देगा, बिगड़े हुए खतरनाक तरीके से मंगल के कारकत्व तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो राहु का कोई माँ बाप तो है नहीं, वो तो नेगेटिव देना ही है उसको, तो शनि के थोड़े बहुत शुभ कारकत्व है उसको भी नेगेटिव कर देगा वो, और यदि राहु शुभ जगह बैठे होगा तो ग्रहों के कारकत्व को थोड़े से बढ़ा देगा, शुभ तो दे देगा, इस तरीके से जानना। तो ये लघु पारसरी मैं पढ़ा रहा हूँ, अब कितने लोगों को कितनी समझ में आ रही मैं नहीं जान रहा हूँ यार, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कोई कमेंट और प्रतिक्रिया भी नहीं आती। जनरली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को क्वैक्स, मतलब जो झोला झोला छाप एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने सत्यानाश कर रखा है। कोई वास्तु वाला अभी इसका सदुपयोग दुरुपयोग कर लेता है, कोई कर्मकांडी इसका सदुपयोग दुरुपयोग कर लेता है, कोई पेट पालने वाला इसका सदुपयोग दुरुपयोग कर लेता है। तो धीरे धीरे होके ये पेट पालन विद्या हो गई, और जहां पेट आता है वहां पे धर्म भी खत्म होता है, नैतिकता भी खत्म हो जाती, सारे नियम कानून खत्म हो जाते। वहां पेट की अग्नि, जैसे अन्नगत, कल कलयुग में अन्नगत प्राण है, हमारे प्राण कहाँ है, अन्न में है, हम अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, चाहे हम दिन भर माला जपते रहें, शाम को भूख लगती है, हम अन्न खाएंगे तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे प्राण अन्न में बसते हैं, इसलिए हम अन्न की भागम भाग करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम दूसरे भी काम कर सकते हैं ज्योतिष के अलावा, हम कोई किसी के यहाँ मजदूर हो सकते हैं, हम किसी के यहाँ बाबू क्लर्क हो सकते हैं, हम गोलगप्पे की दुकान चला सकते हैं, हम मजदूरी कर सकते हैं, इसके बाद भी हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, हम ईमानदारी की एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने सीमित दायरे में रह के आप कोई फी, आजकल इसको फी बोलते हैं, पहले दक्षिणा थी, अब कोई दक्षिणा नहीं, सब फी बोलते हैं, आपकी फी कुछ भी हो सकती है, आपके टैलेंट पे, वो टैलेंट पे आप फीस लीजिए और लोगों का भला कीजिए, इसलिए फी जरूरी है, फ्री में किसी को कुछ देना है। दूसरी चीज, इतनी सारी किताबें खरीदना है, कंप्यूटर देखना है, इंटरनेट लेना है, घर का भी खर्चा है, तो हम फ्री में कैसे किसी को कुछ दे सकते हैं, और फ्री में कभी किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुफ्त के जो भजन है उसको कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए निःशुल्क नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले समझ लो, फिर लोगों का भला करो, और जब एक गांव में एक भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो हमारे देश का भला होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर लोगों को आध्यात्मिक बनाता है, वो बताता है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर, दान कर, ये चैरिटी कौन करवाता है इस देश में, चैरिटी तो एस्ट्रोलॉजर कराता है, यही तो महान काम है एस्ट्रोलॉजर का, और कहीं ना कहीं जब चैरिटी होती है तो लोगों का भला होता है। चैरिटी नीडी पर्सन को दीजिए, राहु चल रहा है, कन्यादान कीजिए, कन्याओं को भोजन कराइए, गरीबों को दान दीजिए, इस तरीके से राहु के बारे में मैंने बताया। सिंपल एक बार और मैं कह देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, इनकी कोई दृष्टि नहीं होती, ठीक है, ये जहाँ जिस भाव में बैठेंगे तो वैसे फल देंगे, यदि केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो अच्छे फल देते हैं,
यदि तिष्ठाय में बैठेंगे, 3, 6 और 11 तो भी अच्छे फल देते हैं, यदि 8, 12 में बैठेंगे तो ज्यादा खराब होंगे, यदि 12वें भाव में और 8वें भाव में। ठीक है, इस तरीके से ज्योतिष उस तत्कालीन कुंडली की ग्रह स्थिति जानकर ही फलित देने का प्रयास करता है। तो फलित ईश्वर के हाथ में, ये ब्रह्म विद्या है, और जब तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद ना हो, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र प्रत्ता, या वीणा वरदन मंडिता करा, या श्वेत पद्माशिना, या ब्रह्माचित संकर्ति प्रभृति देव सदावनिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़िया पा। बिना सरस्वती माँ की आशीर्वाद से हम फलित पे नहीं जा सकते, इसलिए एस्ट्रोलॉजर को एवरेज लोगों की तुलना में ज़्यादा पूजा पाठ करनी पड़ती है, ज़्यादा ईमानदार होना पड़ता है, ईमानदार और ईमानदारी के कर्म से धन अर्जित करना चाहिए। क्योंकि आप जैसा धन खाओगे, जिस प्रकार से धन खाओगे, यदि मेहनत का धन खाओगे तो आपका मन भी वैसे ही डेवलप होगा। छंदोग्य उपनिषद में मन जो है, हमने पढ़ा है कि भाई ये हम जो पढ़े हैं कि मनो के विकार होते हैं ना, कोष होते हैं, मनोमय कोष, ठीक है, वो 5 प्रकार के कोष अन्न खाने से ही बनते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा आपका मन बनेगा, फिर आप अच्छा काम करोगे, है ना। तो भगवान गोविंद से यही निवेदन है कि आप लोग जो है ईमानदारी से ज्योतिष करें, ठीक है, और ज्योतिष के साथ दूसरा काम भी करें। आप ज्योतिष के हम भरोसे ना रहें, जब भी आपको मिले ज्योतिष से कुछ सीखें, और ज्योतिष के माध्यम से लोगों को अध्यात्म में जोड़ें, ज्योतिष सीखें, ज्योतिष करें, ज्योतिष के माध्यम से अध्यात्म से लोगों को जोड़ें। तो जैसे आप एक आदमी को विष्णु सहस्रनाम बताते हो, वो पढ़ लिया और उसका भला हो गया तो आपका भी भला होगा, और उसको सद्बुद्धि आएगी तो समाज और राष्ट्र का भी विकास होगा। इस तरीके से हम ज्योतिष को अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। व्यावसायिक तरीके पे मत घुसो इसके, एस्ट्रोलॉजी के। हरे कृष्णा।